अब देखो यार, अगर तुम लोग रॉक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस रॉयल रंबल पर रॉक के सरप्राइज रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। डेमियन प्रिंस के मनी इन द बैंक कैसिन को लेकर WWE के लेटेस्ट प्लान सामने आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपरव्यू के ऊपर गंथर यहाँ पर अपियर नहीं होने वाले गए। CM Punk के AEW से WWE को ज्वाइन करने को लेकर पंक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। WWE में ब्रे वायट के हॉल ऑफ फेमर बनने से पहले ब्रे वायट को लेकर WWE का नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो गाइज, वहीं WWE NXT यूरोप के लॉन्च होने को लेकर WWE ने उनके प्लान चेंज कर दिए है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रॉक के रॉयल रंबल पर अपियर होने की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 2 हफ्तों के अंदर WWE के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू रॉयल रंबल पेपर व्यू होने वाला है। और इस साल रॉयल रंबल के अंदर हमें यहाँ पर आंद्रादे एल इडोलो लिव मॉर्गन की सहित काफी सारे सुपरस्टार रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज यही अब रॉयल रंबल के ऊपर रॉक के पॉसिबली रॉयल रंबल में एंटर होने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि पॉसिबली WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस के फेटल 4-वे मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर रॉक का रिटर्न देखने को मिल सकता है, या फिर WWE के रॉयल रंबल के ऊपर रॉक यहाँ पर 30 नंबर पर रॉयल रंबल में उतर के WWE के रॉयल रंबल को जीत सकते गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर करंटली WWE के प्लान्स के हिसाब से रॉक के यहाँ पर रॉयल रंबल में आने को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और WWE के बैक स्टेज के ऊपर रॉक के इस समय रॉयल रंबल पर अपियर होने को लेकर प्लानिंग चल रही है। और अब यहाँ पर ये WWE के हाथ में है कि वो यहाँ पर अगर रॉयल रंबल पर रॉक का रिटर्न कराते गए तो वो यहाँ पर रोमन रेंस के टाइटल मैच के ओवर होने के बाद रॉक और रोमन रेंस का कन्फ्रंटेशन कराते गए, या रॉक को सीधे रॉयल रंबल में डाल के रॉक यहाँ पर रॉयल रंबल को जीतकर रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस के टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बनते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर WWE में रॉयल रंबल में रॉक का रिटर्न कैसे करवाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेमियन प्रिंस के मनी इन द बैंक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर जुलाई में डेमियन प्रिंस के मनी इन द बैंक को जीत जाने के बाद डेमियन प्रिंस पिछले 8 महीनों से WWE के मनी इन द बैंक को लेकर घूम रहे गए। और गाइज अब यहाँ पर फाइनली इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE के रेसलमेनिया के पहले डेमियन प्रिंस उनका मनी इन द बैंक कैसिन करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर बहुत ही जल्द WWE के अंदर डेमियन प्रिंस उनके मनी इन द बैंक को किसी वर्ल्ड चैंपियन पर कैसिन करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डेमियन प्रिंस उनका मनी इन द बैंक को पर कैसे कैसिन करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में NXT यूरोप प्लान की। वल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 6 साल पहले WWE के NXT UK ब्रांड को शुरू करने के बाद और WWE के NXT UK ब्रांड के फ्लॉप होने के बाद WWE एक बार फिर से उनका ब्रांड शुरू करने वाली गए। बट इस बार WWE का ये ब्रांड सिर्फ UK में ना होके बल्कि WWE NXT यूरोप होने वाला है। और गाइस यहाँ पर WWE कंपनी ये प्लान कर रही थी कि वो यहाँ पर यूरोप के काफी सारे इंडी रेसलर्स को साइन करके NXT को लेकर यूरोप में ब्रांच लॉन्च करेगी। बट गाइस क्योंकि अब यहाँ पर WWE के अंदर न्यू ओनर TKO आ चुके गए, तो गाइस WWE कंपनी के बिग जाने के बाद अब यहां पर WWE के न्यू ओनर्स ने इस कंपनी के प्लान को रोक दिया है। और गाइस बैकस्टेज से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE कंपनी के सेल होने से पहले NXT यूरोप को लेकर काफी सारी प्लानिंग चल रही थी। बट गाइस अब यहां पर WWE के अंदर NXT यूरोप को लेकर कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही है। और गाइस फिलहाल यहां पर TKO ये नहीं चाहती है कि WWE NXT यूरोप जैसे ब्रांड को ओपन करे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE NXT यूरोप के बंद होने के बाद क्या WWE जापान के अंदर उनका ब्रांड लाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में गंथर के एलिमिनेशन चैंबर पर कंपीट करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैंबर पेपरव्यू के ऊपर हमें यहां पर CM Punk, Drew McIntyre और Seth Rollins जैसे बड़े सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। बट गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE के एलिमिनेशन चैंबर पेपरव्यू के ऊपर गंथर यहां पर हमें देखने को नहीं मिलने वाले गए। क्योंकि गाइस इस समय गंथर के वीजा को लेकर इशू चल रहा है। और गाइस गंथर के इस वीजा इशू के वजह से वो यहां पर अमेरिका के बाहर दूसरे किसी भी कंट्री के अंदर नहीं जा सकते गए। और क्योंकि WWE का ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैंबर पेपरव्यू हो रहा है, तो गाइस इस पेपरव्यू के ऑस्ट्रेलिया में होने के वजह से गंथर यहां पर इस पेपरव्यू पर अपीयर नहीं होने वाले गए। और वैसे तो WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से WWE कंपनी यहां पर गंथर को एलिमिनेशन चैंबर पर रखने वाली थी और WWE का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन होने वाला था। बट गाइस अब क्योंकि गंथर का वीजा इशू चल रहा है
रहे, तो वो यहाँ पर गंथर यहाँ पर उनके एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू पर अपियर नहीं हो पाएंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के ऊपर अगर यहाँ पर गंथर अपियर नहीं होते गए तो क्या WWE इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को उससे पहले चेंज करती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में ब्ले वाइट के न्यू प्रोडक्ट की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल WWE के रेसलमेनिया 40 के ऊपर ब्ले वाइट को पॉसिबली WWE के अंदर हॉल ऑफ फेमर बनाया जा सकता है। और गाइज वैसे तो अभी तक इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है कि WWE वाइट को हॉल ऑफ फेमर बनाएगी या नहीं, क्योंकि गाइज यहाँ पर ब्ले वाइट के फैमिली मेंबर्स का ये कहना है कि अभी तक WWE की तरफ से वाइट के हॉल ऑफ फेमर बनने को लेकर ब्ले वाइट के फैमिली को नहीं बताया गया है। बट गाइज अगर यहाँ पर वाइट फेमर बनते गए तो गाइज ब्रे वायट की फैमिली काफी हैप्पी होने वाली गए। वेल गाइज वायट यहां पर हॉल ऑफ फेमर बनेंगे या नहीं वो तो आने वाला टाइम बताएगा। बट गाइज अब यहां पर WWE कंपनी ब्रे वायट को लेकर एक स्पेशल प्रोजेक्ट शूट कर रही गए और गाइज करंटली यहां पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर ब्रे वायट के ब्रदर बो डालस सहित WWE के और भी काफी सारे रेसलर्स का बैक स्टेज पर इंटरव्यू लिया गया है। और गाइज बेसिकली यहां पर आने वाले टाइम के अंदर WWE पॉसिबली ब्रे वायट को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री लाने वाली गए जिसके अंदर रेसलर्स और बाकी लोग यहां पर ब्रे वाइट को लेकर बात करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रे वाइट का ये प्रोडक्ट WWE कंपनी कवर कैसे लॉन्च करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने से पहले 2 साल पहले 2021 में सीएम पंक ने रेसलिंग पर उनका रिटर्न किया था जब यहां पर सीएम पंक ने WWE के राइवल AEW रेसलिंग को ज्वाइन किया था। और अब यहां पर जब सीएम पंक WWE पर वापस आ चुके गए तो इस हफ्ते सीएम पंक ने उनके WWE रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर सीएम पंक का यह कहना है कि वैसे तो वो रेसलिंग के अंदर 2 साल पहले ही रिटर्न कर चुके थे, बट गाइस रेसलिंग बिजनेस के अंदर रिटर्न करना और WWE के अंदर रिटर्न करना टोटली डिफरेंट थिंग है, क्योंकि गाइस WWE के अंदर ऐसे ऐसे रेसलर्स हैं जिनके सामने खड़ा होना काफी बड़ी बात है। और गाइस सीएम पंक ये बिलीव करते गए कि WWE के रिंग के अंदर आज भी जब वो खड़े होते गए तो वो यहां पर काफी ज्यादा नर्वस होते गए। और गाइस सीएम पंक आज भी WWE के अंदर उनके आपको प्रूफ करने के लिए काफी सारी चीजों को करना चाहते गए। और गाइज यहां पर पंक का बेसिकली ये कहना है कि WWE के बाहर किसी भी कंपनी पर जाके सीएम पंक आराम से स्टार बन सकते गए, बट गाइज WWE बिल्कुल डिफरेंट कंपनी गए और यहां पर स्टार बनने के लिए रेसलर्स को काफी पापड़ बेलना पड़ता है। और गाइज इसीलिए सीएम पंक फैंस को ये बताना चाहते गए कि वो यहां पर WWE के अंदर भी दोबारा से उनके प्राइम पर आ सकते गए। वेल अब ये तो रॉयल रंबल पे पर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि सीएम पंक रॉयल रंबल को जीतकर दोबारा टॉप सुपरस्टार बनते गए या सीएम पंक रॉयल रंबल को हार के WWE के अनदर रेसलर बनते गए। वेल आपको क्या लगता है, WWE को पंक को रॉयल रंबल जिताना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।